बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। मैं मंडी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहले से जल्दी जा रहा हूँ मंडी। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है, मंडी जाकर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेन रोड पे स्टॉप पे पहुंच चुका हूँ और माशाल्लाह सुबह सुबह देखें कितना प्यारा मंजर है। ये सामने दरख्त लगे हुए हैं सरसब्ज माशाल्लाह। अभी सूरज नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी ले ली है, 9 नंबर रेडी मिली है आज। और रेडी की आज कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी आज हल्की टेढ़ी है, थोड़ी सी आगे से मुड़ी हुई है, टेढ़ी हुई हुई है, बड़ा आज इसी पे गुजारा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला फेरा मिल चुका है मुझे। पहले फेरे में छोड़ने जा रहा हूँ 3 आड़ू हैं और 2 नाशपाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फेरा छोड़ने जा रहा हूँ 3 पच्ची अमरूद और ये थोड़ा सा दूर छोड़ने जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अमरूद उतार दिया है। जहाँ मैं ये फेरा छोड़ने आया हूँ ये मंडी का दूसरा सिरा है, इतनी दूर है ये अड्डा। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह भी उतार दिया है सामान, चलते हैं दोबारा वापस। ये पत्रियाँ पड़ी हुई हैं, ये पच्चियाँ पड़ी हुई हैं, ये ख़रीद के ले आते हैं इधर भाई और दोबारा ये वापस जाती हैं अंगूर में या टमाटर में, दोबारा इनमें अंगूर या टमाटर पैक हो के आता है। मंडी में आज काला टॉफी अंगूर भी आया हुआ है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। एक ही गाड़ी आई हुई है आज मंडी में। आज सफ़ेद टॉफी अंगूर मंडी में बहुत ज़्यादा आया हुआ है माशाल्लाह। तकरीबन एक गाड़ी ये है, एक 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 ये है, तकरीबन 6 गाड़ियाँ आज टॉफी अंगूर की आई हुई हैं मंडी में। सफ़ेद टॉफी अंगूर की आज टॉफी अंगूर ज़्यादा आया और ये काले अंगूर की एक गाड़ी लगी हुई है, ये वाली एक ही गाड़ी आई हुई है काले अंगूर की टॉफी और बहुत अच्छा आया हुआ है माशाल्लाह। अभी फेरा छोड़ने आया था, 5 कार्टन दूध के हैं और नीचे पेटियां लगी हुई हैं आड़ू वाली। ये देखें ये आड़ू वाली पेटियाँ हैं, आड़ू वाली पेटियाँ जो होती हैं ना ये स्टोर वाली होती हैं, ये इसलिए इसमें पैक कर देते हैं पेटियों में लकड़ वाली में कि स्टोर में हो ना तो फिर कार्टन हो तो वो ख़राब हो जाता है, पेटियां ख़राब नहीं होती। अभी स्टोर वाला आड़ू भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5वां फेरा छोड़ने जा रहा हूं और 5वें फेरे में है 1 पेटी सेब की, 2 टॉफी अंगूर लाल वाला, पुदीना और केला। आज मंडी में बहुत ज़्यादा रश लगी हुई है, देखें वो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो देखें बहुत ज़्यादा रश लगी हुई है आज मंडी में और फिर बहुत मुश्किल पेश आती है, रास्ता नहीं मिलता। ये देखें रास्ता बिल्कुल बंद है, जगह नहीं है गुजरने की ज़रा सी भी। ये 2 रेड़ी वाले और भी भाई खड़े हुए हैं, वेट करना पड़ेगा, अभी रास्ता खुलेगा फिर ही निकलेंगे यहाँ से, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारा, पर क्या करें ये भी तो फिर हिस्सा काम का। अभी तक रास्ता नहीं खुला, ये देखें भाई रेडी उठा के लेके जा रहे हैं, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया रास्ता बंद है। ये भाई रेडी उठा के लेके हैं, देखें अभी ये लगी है, अभी बहुत रश लगी हुई है चौक में। अल्हम्दुलिल्लाह आज गर्मे का फेरा भी मिला है, सिर्फ 5 गर्मे छोड़ने जा रहा हूँ। गर्मा उतारा है, उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह खाली केले का फेरा मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ना भी नज़दीक ही है, छोड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। केला उतार दिया है, सबसे ज़्यादा टाइम केले के फेरे में लगता है, जब उधर से लेते हैं लूंगर होता है काटते हैं, काटने में टाइम लगता है, फिर लोड करने में उतारने में टाइम लगता है, क्योंकि ये नाजुक चीज़ है, इसको बड़े एहतियात से उतारना पड़ता है। ये न्यूजीलैंड का सेब है सब्ज़ सेब, सलाद में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर।
ये सिंगल तय आम आया हुआ है आज मंडी में, इसमें सिर्फ 12 दाने लगे हुए हैं, सिर्फ ऊपर ही 12 दाने लगे हुए हैं, इसके अलावा इसके नीचे नहीं है और बहुत प्यारा आम है माशाल्लाह। ये देखें काले अंगूर वाला कंटेनर एक ही था तो बिल्कुल खाली हो चुका है, अभी बिक चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्मा ग्राउंड में, आज गर्मा बहुत ही कम आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि गर्मा कितना आया हुआ है। ये देखें एक गाड़ी ये खड़ी है गर्मे वाली जिसे उतारा गर्मा, और एक ये खड़ी है, थोड़ा सा गर्मा आ जाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें टोटली आज थोड़ा सा गर्मा आया हुआ है, ज़्यादा गर्मा नहीं आया आज क्योंकि गर्मे का सीज़न भी अभी एंड हो रहा है। ये गर्मा ने 10-10 दाने करके बिकता है, ये 10 दाने की डेरी है, ये देखें 10 दाने की डेरी है, 10 दाने की डेरियां लगाई हुई हैं, और 10-10 दाने मर्जी है किसी की, 10 दाने की डेरी ले ले जहाँ कट्ठे की बोली कर दे, मसलन 4 डेरियां पड़ी हुई हैं 10-10 दाने में दाने वाली, इकट्ठी की भी बोली कर सकता है और एक की भी कर सकता है। ये भाई बैठे हुए हैं ये बेच रहे हैं अभी, ये बोली पे तो नहीं बेच रहे, बोली नहीं हो रही अभी क्योंकि ये भाई ने अपना लिया हुआ और इधर बैठ के बेच रहे हैं, और अभी धूप भी बहुत सख्त है, गर्मी भी बहुत सख्त है, ये भाई बैठ के इधर बेच रहे हैं, कोई आएगा गा कि इनके साथ रेट करेगा फिर ये भाई उनको दे देंगे। आज क्या रेट जा रहा है बजाना? 300 रुपये दाना बिक गया आज। भाई बता रहे हैं कि आज महंगा था बहुत गर्मा, क्योंकि आज गर्मा कम आया ना, वैसे आएगा अभी गर्मा या ख़त्म हो गया? भाई बता रहे हैं कि अभी पता नहीं है, लेकिन ये है कि आज कह रहे हैं कि 300 रुपये का दाना बिका, 300 रुपये का एक दाना गर्मे का, 10 दाने होते हैं समझ लें 3000 रुपये की डेरी बिकी है। मंडी में अभी तरबूज भी है, ये अफ़गानिस्तान वाला तरबूज आ रहा है माशाल्लाह, ये देखें कितना बड़ा बड़ा तरबूज है, क्योंकि पाकिस्तान वाला तो अभी सीज़न एंड हो गया, पाकिस्तान का ये तरबूज नहीं है। भाई से मैंने पूछा तो भाई बता रहे थे कि ये अफ़गानिस्तान का तरबूज आ रहा है, ये वाला दाना ना, ये वाला दाना कम से कम भी 10 से 12 किलो का ये दाना एक है इसका वज़न, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तरबूज है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। इधर टोटली 3 बंदों के पास तरबूज पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये पड़ा हुआ है ये वाला, एक भाई के पास इधर, और एक ये पड़ा हुआ है इधर, ये टोटली 3 बंदों के पास तरबूज पड़ा हुआ है, क्योंकि तरबूज आजकल आम तो नहीं बिकता, ये एक दो गाड़ी की आती है और ये ख़ास ख़ास जगहों पे बिकता है जो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग ना, कि बैरिया टाउन हो गया, ये इधर वीआईपी जगहों पे बिकता है आजकल, आम लोकल दुकानों पे आजकल आपको तरबूज मिलेगा भी नहीं, क्योंकि महंगा है, 2500 रुपये मन चल रहा है मंडी में रेट इसका, 2500 रुपये मन, यानी कि 2500 का 40 किलो दे रहे हैं इधर मंडी में, ऊपर खर्चा भी आता है, सारी बात है, महंगा है आजकल। आज का सबसे छोटा फेरा है, एक ही कार्टन है और कंधे पे उठा के लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा रेट किसी तक लेके जाऊँगा, रश भी लगी हुई है, मैंने कहा कंधे पे उठा के, कितनी रश लगी हुई है इधर देख सकते हैं, आज मंडी में बहुत रश है, ये मजदूर लगा हुआ ऊपर केले निकाल रहा है ट्रक से, आज मंडी में बहुत रश लगी हुई है देख सकते हैं आप। आगे आया हूँ मैं सब्ज़ी मंडी, लेकिन सब्ज़ी मंडी बिल्कुल खाली हो चुकी है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये देखें ये सुबह के टाइम बिल्कुल सारा कुछ, ये पूरा रोड बड़ा होता है सब्ज़ी मंडी से ना, सब्ज़ी से, लेकिन इस टाइम खाली हो चुका है क्योंकि आजकल सब्ज़ी भी कम आ रही है, आपको पता ही है सैलाब आया हुआ है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, आजकल सब्ज़ी भी कम आ रही है, जो आती है सुबह सुबह ही बिक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्ज़ी मंडी से भी फेरा मिल गया है, ये 2 तोड़े हैं जिनमें बंद गोभी पैक की हुई है, आया तो मैं सब्ज़ी वगैरह लेने था,
अल्हम्दुलिल्लाह फेरा भी मिल गया है माशाल्लाह। थोड़ी बहुत अच्छी लगी हुई है, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, सुभान अल्लाह। देखें कितनी मेहनत से लगाई हुई है, टोकरे में लगाई हुई है और साथ लगा हुआ है कद्दू, इसके दूसरे रेडी वाले भाई ने लगाया हुआ है कद्दू, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये प्याज है, ये भी कच्चा प्याज है और अभी इसको छांटी कर रहे हैं भाई इधर, देखें ये छांटी करने वाला है, जो इसमें होते हैं छिलके वगैरह वो निकाल के जो साफ़ प्याज होता है वो छांटी करके इसमें देखें डाला हुआ है, छांटी करके साफ़ करके फिर लगाते हैं टोकरों वगैरह में। ये प्याज मंडी है, ये यहाँ तक प्याज मंडी है, यहाँ तक ना ये सारा इधर प्याज लगा हुआ है और अभी बोली भी हो रही है, ये इधर इधर प्याज की अभी बोली हो रही है, एक इधर बोली हो रही है, आगे पीछे ही बोलियाँ होती हैं। और ये आज माशाल्लाह प्याज बहुत आया हुआ है, प्याज का रेट पहले से कम भी हो गया है, आज 1000 रुपये दड़ी जा रहा है प्याज मंडी में, पहले 1200 था 3-4 दिन पहले, आज कम हुआ है प्याज का रेट। ये मज़दूर घी वाला ट्रक खाली कर रहे हैं, देखें बहुत मेहनत वाला काम है, गर्मी भी आज बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी खड़ी कर दी है, 9 नंबर रेडी थी आज, ये देखें अभी घर जाने लगा हूँ, पैसे देने हैं भाई को रेडी का किराया, फिर घर जाने लगा हूँ, 400 रुपये किराया रेडी का। लो जी मामा जी है, आपको ही देना है, ठीक है भजान दे दिया रेडी का किराया। ये छलियाँ पड़ी हुई हैं और ये थोड़े बंद हैं छलियाँ, इनमें भी छलियाँ ही पड़ी हुई हैं, और तराजू रखा हुआ है भाई ने। ये बाहर भी 2 कंटेनर प्याज के आए हैं अभी, देखें ये बाहर अभी खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे अभी जगह नहीं है जाने की ना, रश लगी हुई है, अभी ये बाहर खड़े हैं। प्याज प्याज आज बहुत आया है, ये गेट के साथ ही खड़े हैं, ये गेट है इधर, गेट के साथ ही खड़े हैं। माशाल्लाह से बताएं कि कैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त दुकान पे हूँ, दुकान पे आज एक नई आइटम लाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी है। वो ये है काला अंगूर, माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है, सुबहान अल्लाह बहुत ही प्यारा अंगूर है काला अंगूर। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।